करहल में धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा देश की शान। तिरंगा हाथ में लिए निकला प्रशासन, मां भारत के जयकारों से गूंज उठा नगर। खबर करहल से है, जहां शासन के आदेश पर आज 13 अगस्त को प्रशासन द्वारा तिरंगा रैली का कार्यक्रम रखा गया। वैसे तो इस कार्यक्रम का समय सुबह 8 बजे से निर्धारित किया गया था, मगर सुबह से हो रही अत्यधिक बारिश को देखते हुए SDM ने दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम का नया समय तय किया। इस तिरंगा रैली में शामिल होने सुबह 11 बजे से स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी एकलव्य विद्यालय में एकत्रित होना शुरू हुए। बीजेपी ने विधानसभा प्रभारी नरेंद्र बिरथरे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने करहल आए, जिन्होंने एकलव्य विद्यालय में कार्यक्रम मंच से प्रदेश भर में निकाले जा रहे तिरंगा यात्रा का महत्व भी समझाया और सभी को एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद एकलव्य विद्यालय परिसर में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। सभी ने तिरंगा हाथ में लिए भारत माता के जयकारे लगाए और हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। यात्रा में डीजे पर बज रहे देशभक्ति के गानों पर रैली में शामिल सभी नागरिक देशभक्ति के रंग में डूब गए। जुबान पर बस देश का नाम था और देशभक्ति का जुनून था। करहल SDM उदयवीर सिकरवार, जनपद CEO अभिषेक त्रिवेदी और तमाम अधिकारी कर्मचारीगण तिरंगे झंडे के जयकारों के नारे लगाते हुए रैली में चल रहे थे। आज की रैली देख नगरवासियों को लगा कि मानो आज ही स्वतंत्रता दिवस हो। जैसे जैसे यात्रा चलती गई, करहल नगरवासी रैली में जुड़ते गए। करीबन 4 किलोमीटर की इस तिरंगा यात्रा में बच्चों सहित 500 लोगों ने हिस्सा लिया। ये रैली एकलव्य विद्यालय से शुरू होती हुई करियादह तिराहे तक आई। इसके बाद तहसील परिसर पर यात्रा का समापन किया गया। समापन उपरांत SDM ने इस यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित किया और कहा कि हम सब अपने जीवन में ऐसे कार्य करें कि देश की शान में कोई आंच ना आने दी जाए। तदुपरांत सभी को बूंदी बंटवाई गई। देखिए करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय। तिरंगा हम सबके दिलों में है, हम की आन रहे बांध रहे हमारी शान रहे। हमारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे तिरंगे को नीचा देखना पड़े। मैं करहल के जो वासी हैं जिन्होंने आज इस तिरंगा रैली में अपना हमारे को सहयोग दिया, इस तिरंगे का मान बढ़ाया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग यहां पर आए और आप लोगों ने इस सम्माननीय दिवस पे हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।